नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। कल तक जो चीन भारत को गिदड़ भपकी देते फिरता था, कल तक जो चीन अकड़ दिखाने से बाज नहीं आता था, आज उसी चीन को भारत ने औकात दिखा दी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भारत चीन के बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन के विदेश मंत्री शुक्रवार यानी 25 मार्च को भारत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात वाली तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इस मुलाकात में एक किस्सा ऐसा भी है जिसकी चर्चा पिछले कुछ घंटों से हो रही है, और वो किस्सा ये है कि चीन के विदेश मंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए मिन्नतें करते रहें, लेकिन भारत ने कहा ये मुमकिन नहीं। एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अखबार की माने तो चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी के भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का प्रस्ताव रखा था, लेकिन साउथ ब्लॉक की तरफ से इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी व्यस्त हैं, वो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ जाना है। वहीं सूत्रों की माने तो वांग यी ने अजीत डोभाल से मुलाकात करने के बाद उन्हें चीन आने का निमंत्रण भी दिया है। इस पर अजीत डोभाल ने कहा कि मौजूदा मुद्दों के समाधान के बाद वह बीजिंग की यात्रा कर सकते हैं। वांग यी लगभग 2 साल बाद भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे को लेकर पहले से कोई घोषणा भी नहीं की गई थी। खैर, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की तमन्ना वांग यी की पूरी नहीं हो पाई और वो इसी कसक के साथ 25 मार्च को वापस भी चले गए। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत और चीन के बीच जो मौजूदा स्थिति है उसकी प्रगति बहुत धीमी है। वांग यी से मिले और भेंट के दौरान इसमें तेजी लाने पर चर्चा हुई। अप्रैल 2020 में सीमा पर चीन की कार्रवाइयों के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ा, इसमें बाधा पहुंची। 2 साल के दौरान सीमाई क्षेत्रों में तनाव का असर दोनों देशों के बीच नजर आया। हमारे बीच में इस आधार को मजबूत करने और सामने आ रही मुश्किलों को दूर करने का समझौता भी है। चलते चलते आपको यहां बताते चलें कि भारत ने अपने इस मीटिंग के दौरान चीन से साफ साफ शब्दों में कहा है कि पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के शेष बिंदुओं से पीछे हटने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अगर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति असामान्य होगी तब द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ करीब 3 घंटे खुले और स्पष्ट रूप से बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सामान्य संबंधों की बहाली के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं अमन बहाल होना जरूरी है। बहरहाल, जिस तरह से चीन के विदेश मंत्री को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। Akhilesh, your question, did the issue of what Minister Wang Yi said at the OIC conference come up? Yes, it did. I referred to it. I explained to him why we found that statement objectionable. It was a subject discussed at some length. There was a larger context as well. I conveyed that we hoped that China would follow an independent policy in respect of India and not allow its policies to be influenced by other countries and other relationships.